विशाल ज्योति विवेक शत्रु जी पूर्णचंद मंगत जी गौरव जी अभिनाव जी आज की इस जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जो आप अपने घर में करती हैं, औरत को हम माँ के रूप में देखते हैं, औरत को हम बहन के रूप में देखते हैं, औरत को बेटी के रूप में देखते हैं, औरत को घर चलाने वाले के रूप में देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो रूप औरत का है वो ये है कि औरत को हम एक इंसानियत की निशानी के रूप में देखते हैं। सोसाइटी को सुधार करने की, तो उसको सुधार एक औरत के बिना नहीं हो सकता, चाहे वो बच्चे की तरबियत, उसकी बेसिक इंसानी गुणों की तरबियत, उसकी फिर परवरिश और फिर उसे ये सबक देना कि दुनिया कैसे चलानी है। आज ये कन्वेंशन क्यों ऑर्गेनाइज हुआ, ये कोई अपनी पार्टी का कोई ऐसा फंक्शन नहीं था कि जिसमें हम कोई पॉलिटिकल पावर दिखाना चाहते थे। हम इस सेक्शन को जो 50% हमारी आबादी का है उन्हें ये मैसेज देना चाहते थे कि आप हमारे लिए बहुत जरूरी हो, आप इस स्टेट के लिए जरूरी हो, आप इस देश के लिए जरूरी हो। हमारी इस रियासत जो पुरानी रियासत थी, इस रियासत में सबसे ज्यादा अगर किसी का काम है वो आप लोगों का है। आप देखिए जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, आज हमारे बच्चों को कहीं ड्रग्स की हैबिट्स ने पकड़ लिया है, कहीं किसी और चीजों ने पकड़ लिया है, और अगर उसमें से कोई निकाल सकता है तो खाली आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जो परवरिश उनको घर में देगी वही वो सोसाइटी में जाए कि फायर करेंगे। मुझे मालूम है कि जब तक आपको एक एम्पावरमेंट न की जाए, और एम्पावरमेंट ऐसी हो जहां ये बच्चा जिसको आप सुधारना चाहते हैं, चाहे वो लड़का है या लड़की है, उसे मालूम हो कि अगर मैं इस माँ की ये बात नहीं मानूंगा, अगर मैं इस बहन की ये बात नहीं मानूंगा, अगर मैं इस बेटी की ये बात नहीं मानूंगा, तो कल मुझे इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।